गाइस वेलकम बैक टू खुशबूज यूट्यूब चैनल। सो फाइनली 20 के सब्सक्राइबर पे हम लोग का जो Q&A वीडियो था वो आ गया है एंड थैंक यू सो मच गाइस, तुम लोगों की वजह से 20 के सब्सक्राइबर पॉसिबल हुआ है। ऑल्सो स्पेशली जो थैंक यू है वो उन लोगों के लिए है जो 10K भी नहीं 1000 तक जो लोग मेरे साथ थे, बिकॉज 1000 के बाद ना 1000 या 10,000 के बाद लोग इजीली सब्सक्राइब कर देते हैं। उससे पहले जो 0 से लेकर 1000 तक मेरे साथ जो थे ना उन लोगों का थैंक यू दिल से थैंक यू सो मच। और अभी हम फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक चीज है, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ अभी वीडियो पॉज करके कि मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है, बिकॉज मेरे को शॉर्ट हेयर करने का बहुत मन था बट फिर भी मैंने रो रो के इतने कराए, उससे ज्यादा मेरी हिम्मत ही नहीं हुई शॉर्ट हेयर कराने की। तो जल्दी से जाओ मेरा हेयर कट कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ। और अब फिर स्टार्ट करते हैं Q&A वीडियो। तो मैंने एक पोस्ट डाला था यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी, बट इंस्टा पे बहुत रिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत अजीब से क्वेश्चंस थे तो मैंने वो नहीं लिए। यूट्यूब के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं तो मेरे पोस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा, इसमें मैंने डाला था। बट मुझे ऐसा लगा काफी कम क्वेश्चंस आए, बट फिर भी नहीं काफी कम भी नहीं बट ठीक ठाक से क्वेश्चन आ गए थे। तो इनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो मुझे ठीक लगे और जो मुझे ऊपर ऊपर से दिख गए थे, क्योंकि काफी क्वेश्चंस मेरे तो इधर उधर हो चुके थे, मेरे को कमेंट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा था, दिख ही नहीं रहा था। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अबाउट योर यूट्यूब इन द फ्यूचर। सो यूट्यूब मैं कंटिन्यू ही करूंगी चाहे मुझे कोई कितना ही मना करे। आई गेस मेरे को शायद मना नहीं करेंगे, बट अगर फिर भी मेरे को मना किया तो ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटीज जॉब और ये सब चीजें ही हैं, बट साइड के उससे मैं यूट्यूब बंद तो नहीं करने वाली, कंटिन्यू तो रहेगा, तुम लोग मेरे ऐसे वीडियोस देखते रहोगे फ्यूचर में भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, हाँ आई डोंट नो नाम क्या है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है जो भी है। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर बीटेक। वॉइस ना इग्नोर करना क्योंकि मैं घर पे हूं अभी। तो मेरे फ्यूचर प्लान्स बीटेक के बाद के क्या है वो मैं भी बताती हूँ। एक्चुअली ना मेरे को ऐसा था स्टार्टिंग से कि अगर मैं कॉलेज में हूँ तो उस टाइम चारों साल में ना चीजों का एक्सप्लोर करूँ सिर्फ। तो अभी मेरा फेस चल ही रहा है, मैं चीजें एक्सप्लोर ही कर रही हूँ क्योंकि मैं ना बहुत मूड हूँ, मुझे इस एक चीज में बहुत मजा आता है, मेरे को बहुत बोर हो जाती है ऐसे जल्दी जल्दी, तो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। उसके बाद मैं मेरे फ्यूचर प्लान्स डिसाइड करने वाली हूँ कि हाँ ये ही रहने वाला है, क्योंकि मेरा अभी अच्छे से इंटरेस्ट किसी चीज में आया नहीं है बहुत जिसमें स्कोप भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू बेनिफिट फ्रॉम IIT टेक। और एक और सिमिलर क्वेश्चन था आर यू गेटिंग एनी बेनिफिट्स फ्रॉम IIT टेक। तो मैं बता दूं काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं IIT टेक के। एक तो सबसे पहले जब तुम जाते हो या फिर तुम्हारे रिलेटिव्स या फिर कोई भी तुमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि तुम कौन से कॉलेज से हो, जब तुम बोलते हो ना IIT से तो फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा बहुत अच्छा पड़ता है बिकॉज IIT का नाम है ऑलरेडी। दूसरी चीज काफी, अगर मैं मेरी पर्सनल उसमें देखूं वहां पे काफी चीजें ऐसी होती है जो फर्स्ट ईयर में काफी नई नई चीजें सीखने को मिली हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मेरा यूट्यूब चैनल मैंने IIT के थ्रू ही चालू किया था, इन कॉलेज ब्लॉग्स स्टार्ट किए थे, मतलब मेरा पहले से भी था बट मैंने इस चैनल पे IIT के और कॉलेज ब्लॉग्स चालू किए थे, तो मेरे को ऐसा लगा काफी बेनिफिट्स हुए हैं मुझे IIT से टैग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तानी फैम की तरफ से, नाइस। Do you face any hate comments or messages regarding YouTube or Instagram? देखो अगर तुम एक अच्छे क्रिएटर हो या गंदे क्रिएटर हो, तुमको हेट कॉमेंट्स और अच्छे कॉमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे तुम कितना ही अच्छा कंटेंट डालो ना उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं भी क्या करती हूँ, आते हैं ऐसी बात नहीं है मुझे, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे आते हैं हेट कॉमेंट्स, बट मैं बहुत जल्दी उनसे सफर कर जाती हूँ, यार मेरे को इतना गंदा कमेंट आया, बट उससे पहले मुझे कोई अच्छा कमेंट दिख जाता है ना तो मैं बहुत जल्दी खुश हो जाती हूँ कि हाँ ठीक है इग्नोर करो अभी इसी को। तो मेरा ऐसा है ना, मेरे को अच्छे कमेंट से बहुत फर्क पड़ेगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बट मुझे उसी साइड ना गंदे कमेंट से दुख होता है। बट अभी ऐसा है ना कि अभी जब वो अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, क्योंकि अभी पता चल गया कि हाँ इतने लोग हैं जो अच्छा भी बोलते हैं, तो फिर उनके बाद भी उनसे फर्क नहीं पड़ता कि बोल दो तुम अभी चलेगा। सो नेक्स्ट है अनीशा मीना। और हाँ एक और चीज, तुम ना कितना एक्सप्लेन कर लो वो उनके दिमाग में ऐसा ही रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए फिर मैं बोलती भी नहीं हूँ, रिप्लाई भी नहीं करती मोस्टली। तो नेक्स्ट कमेंट है हु इज द वन पर्सन ऑन कैंपस यू फील सेफ विद हर और हिम। तो जैसा कि मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स बहुत कम है कैंपस में, मतलब फ्रेंड्स सब है बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं, तो या I will reveal this answer in next video और maybe उन लोग के साथ ही बनाऊ जिनके साथ
ऐसा मतलब सेफ फील तो सबसे वहां पे, ऐसा कुछ अनसेफ तो है नहीं कैंपस में जो मैं फील करती हूँ, बट हाँ ऐसा होता है कभी तुम क्योंकि घर से बाहर रहते हो, कभी तुम्हें थोड़े से डाउन होते हो, फिर कभी ऐसा बुरा लगता है तो तुम अपने दोस्तों के पास ही जाओगे। तो हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ऐसे, एक पर्सन तो नहीं, ऐसे मेरा ग्रुप है, अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन सबके पास ही जाती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एज दीदी? ओके, तो मेरे को दीदी मत बोला करो। ओके, तो मैं मेरी एज बताती हूँ, अभी है मेरी 19 और फरवरी में मेरी 20 हो जाएगी, मैं टीनेजर में नहीं रहूंगी फिर। सो नेक्स्ट कमेंट है, व्हाट इज योर ब्रांच? तो मैं मेरी ब्रांच बहुत पहले कई बार कंफर्म कर चुकी हूँ, मेरी ब्रांच है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। काफी लोग मैकेनिकल केमिकल से कंफ्यूज जाते हैं, बट मेरी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग ही है। तो किसी का कमेंट है, एक और कमेंट है कि एनी ड्रीम? मेरा ड्रीम मतलब, मेरे को ऐसे पर्टिकुलर बहुत बड़ा सा ड्रीम नहीं, मेरे छोटे 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 ड्रीम्स है जो कि सच में बहुत छोटे लगेंगे तो लोगों को देख के, कि मेरे को रिवील नहीं करने, बस है ना, बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स, ऐसा कोई बहुत बड़ा ड्रीम नहीं कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। जैसे बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं ना कि हाँ अभी अचीव हो गया, कई कई ना ड्रीम्स ऐसे भी है कि मेरे अगर 2 दिन बाद भी अचीव हो सकते, ऐसे भी ड्रीम्स है, तो मेरे को तो वो ड्रीम ही लगते हैं मेरे। सो नेक्स्ट कमेंट है, योर यूट्यूब इनकम? ओ माय गॉड, यूट्यूब इनकम, पहली चीज ये कि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो मैं यूट्यूब के थ्रू 0 मनी अर्न करती हूँ। और नेक्स्ट चीज, मेरा यूट्यूब अगर तुम मोनेटाइज का एक और क्वेश्चन आया था, आई गेस मेरे को अभी दिख नहीं रहा, एक और क्वेश्चन था तो उसके अंदर ऐसा है ना, मुझे मेरा जो चैनल था वो मोनेटाइज हुआ था, मेरे को डेट याद नहीं अच्छे से, मेरा चैनल ना मोनेटाइज हुआ था बट उसके बाद रीयूज कंटेंट का कुछ आ गया था जिसकी वजह से मेरा चैनल डीमोनेटाइज फिर से हो गया। तो अभी मेरे को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा 12 या 14 नवंबर को, देन फिर हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे मोनेटाइजेशन के प्रोसेस से। तो अभी के लिए 0 इनकम फ्रॉम यूट्यूब। और किसी ने पूछा था कि अभी तक की यूट्यूब इनकम क्या है, मेरे को कॉमेंट याद नहीं है, बट आई गेस वहां पे दिखेगा भी नहीं स्क्रीन पे, अगर होगा तो मैं लगा दूंगी, बट कॉमेंट था उनका कि। सो एक और क्वेश्चन था, दीदी आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो मैंने ऑफलाइन तो नहीं करी थी कोचिंग, जेई की तो नहीं करी थी, उससे पहले मैंने जरूर ऑफलाइन करी थी, जेई की कोचिंग जो थी मैंने ऑनलाइन ही करी थी, अनअकैडमी या फिर और यूट्यूब के थ्रू करी थी। तो किसी का क्वेश्चन था अभी तक मैंने यूट्यूब से कितना अर्न किया है, तो एग्जैक्ट नंबर तो यूट्यूबर्स को बताना अलाउ नहीं होता, बट फिर भी मैं आइडिया दे सकती हूँ कि वो जब थोड़े दिन के लिए चैनल मोनेटाइज हुआ था तो अंडर 1000 ही था, 1000 से ज्यादा नहीं था, और इतना कुछ अर्न नहीं करते रेवेन्यू के थ्रू, गूगल एड्स वाला जो होता है उसके थ्रू इतना अर्न नहीं करते यूट्यूबर्स। जो भी होता है यूट्यूब का अर्निंग लोगों का, वो स्पॉन्सर कोलैब इन सब से ही होता है। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके दैट्स ऑल, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मेरे को जो भी कॉमेंट्स अच्छे से दिखे या फिर जो ऊपर ऊपर दिख गए मैंने वो कवर कर लिए। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और भूल गई, शिट, ब्रांच चेंज, ठीक है। सो एक क्वेश्चन था कि ब्रांच चेंज का प्रोसेस क्या है IIT गांधीनगर में, तो ना उसके अंदर मतलब मैंने सोचा एक पर्सनल वीडियो बना दूंगी, बिकॉज इस वीडियो में मैंने ऐड किया था, ये शायद थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा वीडियो, तो मैं इस वीडियो को बस इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट अगर और भी कुछ कॉमेंट्स हो, बिकॉज काफी लोगों के कॉमेंट्स, या फिर मैंने ना अभी जस्ट कि मेरे को आज वीडियो बनाना था, मैंने ये पोस्ट मैंने बहुत पहले डाला था, तो मैं काफी लोगों के कॉमेंट्स रह भी गए होंगे, तो अगर कुछ और कॉमेंट्स हो तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दें। अगर कोई और क्वेश्चन हो, पॉसिबल होगा तो मैं कॉमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, या फिर मैं पार्ट 2 वीडियो बना दूंगी इसका। तो ठीक है, आज की वीडियो के बस इतना ही रहता है, बाय गाइस, और भूलना मत मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है कॉमेंट में लिखना, एंड विश मी लक, जल्दी से हमारे 25K, 30K, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100K हो जाए, उसके बाद भी होते रहे हम लोग अच्छे से एकदम, नहीं उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मैं मेरा चैनल नहीं बंद करने वाली, आफ्टर BTech अभी कभी बंद नहीं करने वाली चैनल, मोस्ट प्रोबेबली तो चैनल यही रहने वाला है, मैं यही रहने वाली हूँ, अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो जल्दी से, मेरी हेयर कट भी ऐसा लग रहा है वो भी मुझे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय गाइज़।